शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें और तुरंत ही अपने सभी सवालों के जवाब पाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818118631। नमस्कार, आप सभी का कर्मायुर्वेदा के YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निखिल शर्मा। ठंड के वक्त में मार्केट में बहुत से फल दिख जाएंगे और किडनी पेशेंट के लिए सर्दियों के मौसम में विटामिन सी वाले फलों का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है और वो इसके लिए अपनी डाइट में एक खट्टा मीठा फल यानी अनानास को शामिल कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो के अपडेट पा सकें। अनानास हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। साथ ही इसमें फैट बहुत ही कम मात्रा में होता है। आज आपको अनानास खाने के कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी किडनी की समस्या के खतरे को कम करने के साथ साथ अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मौसम के बदलने पर बहुत लोग बीमार होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। सर्दियों के मौसम में तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, इसलिए आपको आज से ही अपनी डाइट में अनानास को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अनानास हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है। विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म होने से बचाने में मदद करता है। अनानास में विटामिन सी की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। यह बहुत से वायरसेस से बचाव करने में मदद करता है और शरीर को काफ़ी बीमारियों से दूर रखता है, जैसे जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, साथ ही आपकी किडनी अच्छे से काम कर पाएगी। अगर किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए अनानास बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपका डाइजेशन सही रहता है तो आप बहुत सी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप अनानास का सेवन रोज़ाना करते हैं तो यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही यह पेट और आंत में होने वाली अंदरूनी समस्या को शांत करने में भी मदद करता है। पेट से जुड़ी समस्याएँ कई बार किडनी की समस्या के बढ़ने का कारण भी होती हैं, इसलिए अपनी डाइट में अनानास को ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्तों, आप सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे कि किडनी की समस्या का अहम कारण आपका बढ़ता ब्लड प्रेशर है। अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हैं तो आप किडनी की बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले समय पर दवाई का सेवन करें। साथ ही आप रोज़ाना अनानास का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होने से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में पथरी है तो अनानास के सेवन से राहत मिल सकती है। इसके सिवा कुछ लोगों को किडनी स्टोन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें समय समय पर किडनी में दर्द की शिकायत रहती है और उनके लिए अनानास किसी भी वरदान से कम नहीं है। किडनी स्टोन या किडनी में दर्द होने पर आप डॉक्टर की सलाह से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अनानास के सेवन से आप सूजन की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, जो मोच, मांसपेशियों में खिंचाव और चोट से जुड़ी सूजन को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही अनानास गठिया से जुड़े दर्द और सूजन से आराम दिलाने में भी मददगार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूजन का बार बार आना किडनी समस्या का लक्षण हो सकता है। लंबे समय से रहने वाली गठिया की समस्या आपकी किडनी की बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं। आप सभी इस बात को तो जानते ही होंगे कि आपका बढ़ता वजन बहुत सी समस्याओं का कारण बनता है, इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखने के लिए अनानास का सेवन कर सकते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कैलोरीज मौजूद होने की वजह से पेट भरा हुआ रहता है, जिससे आपको कम भूख लगती है और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर आपका वजन कंट्रोल में रहता है तो किडनी पर पड़ने वाले काम का प्रेशर भी कम हो जाता है और वह स्वस्थ बनी रहती है। किडनी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है और आप किडनी के काम में मदद करके उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, जिससे वह स्वस्थ बनी रहे। आप अपनी डाइट में अनानास को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीज आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर देखा जाए तो अनानास बहुत सी बीमारियों के खतरे को कम करते हुए किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही किडनी पर पड़ने वाले काम के दबाव को भी कम करते हुए उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आज ही अपनी डाइट में अनानास को शामिल कीजिए। लेकिन दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना हानिकारक होता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अनानास का सेवन भी सीमित मात्रा में ही कीजिए।
अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अनानास के सेवन से बचें, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। साथ ही इसमें खट्टापन होने से ये दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा अनानास खाने से होंठ, गाल और जीभ में सूजन आ सकती है, लेकिन कुछ समय में वो ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को अनानास से एलर्जी हो सकती है, इसलिए शुरुआत में इसका कम मात्रा में ही सेवन कीजिए। गले में जलन या खुजली होने पर तुरंत ही डॉक्टर से जाँच करवाएँ। ये थी कुछ खास जानकारी कि आप अनानास के सेवन से किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खास जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार मुलाकात होगी किडनी और उससे जुड़ी खास जानकारी के साथ। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।